अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल स्पोर्ट अपडेट। दोस्तों आज मेरे पास आप लोगों के लिए क्रिकेट के हवाले से कुछ अपडेट है, मगर शुरू करने से पहले मैं आप लोग से दरख्वास्त करना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अब्दुल स्पोर्ट अपडेट को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी बजाएं ताकि आप लोगों को मजीद लेटेस्ट क्रिकेट एंड रेसिंग अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। वर्ल्ड कप 2019 के टिकटों के नरखों का ऐलान भी कर दिया गया है। कीमतें 20 से 25 पाउंड तक रखी गई है। चार अफराद की फैमिली के लिए टिकट 52 जबकि बच्चों के लिए 6 पाउंड का होगा। आईसीसी की चीफ ड्यू रिचर्डसन का कहना है कि इंग्लैंड के हर मैदान में क्रिकेटर को भरपूर सपोर्ट मिलेगी। वर्ल्ड कप के मैनेजिंग डायरेक्टर ट्यू एलोड़ी ने कहा कि शेड्यूल के ऐलान के साथ ही जोश व खरोश बढ़ गया। तारकीन पतन की वजह से कई टीमों को होम ग्राउंड जैसा माहौल मैसर आएगा। पाकिस्तान और भारत समेत कई रवायती हरीफों के मुकाबले भरपूर तवज्जो हासिल करेंगे। जबकि दूसरी जानब कम वक्त ज्यादा माल T20 क्रिकेट ने चैंपियन ट्रॉफी को क्लीन बॉल कर दिया। ICC ने एक बार फिर वनडे के शोपीस यूनिट को अलविदा कह दिया। 2020 के बाद 2021 में भी वर्ल्ड T20 का इनेकाद होगा। भारतीय बोर्ड का वावेला किसी काम ना आया। भारत बदस्तूर मेजबान तमाम मेंबर बोर्ड के T20 मैचेस को इंटरनेशनल स्टेटस हासिल 1 जुलाई के बाद। वेमेंस क्रिकेट में इतलाक, मैच को 1 जनवरी 2019 तक इंतजार करना होगा। दोस्तों ये थी क्रिकेट के हवाले से कुछ मुख्तलिफ अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों ये थी क्रिकेट से जुड़ी कुछ खबरें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ वाली बेल आइकन की अलामत पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को मजीद स्पोर्ट अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। इन अल्लाह हाफिज़।